हम में से ज्यादातर लोग घिरे रहते हैं उस चीज से जो हम जानते हैं, क्योंकि हमें उससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिलती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स में, कुछ आइडियाज में, कुछ बिलीव्स में, जो चीजें हमारे दिमाग को भरकर रखती हैं। अब चाहे वो चीजें अच्छी हो या बुरी हो, ब्रेन को चाहिए। फूड फॉर ब्रेन, ये ब्रेन के लिए खाना है। और जैसे ही तुम उसे अननोन दिखाओगे ना, जैसे ही तुम उसे कुछ खालीपन सा दिखाओगे, तो वो डर जाएगा, ब्रेन घबरा जाएगा। और इस चक्कर में जितना भी ये सब कुछ हम देख रहे हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के बेसिस पर जो कुछ भी हो, चाहे वो यूट्यूब पर आप वीडियोस देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की, इंक्लूडिंग आप इंटेलेक्चुअल वीडियोस देख रहे हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं, फिलोसफिकल वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियो भी देख रहे हो। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों को मेरे को देखते देखते 2 साल हो चुके हैं, वो लोग मेरे को देखना बंद कर दो। सच में मेरा जो माइंड है वो ये चीज नहीं कह रहा। माइंड तो कह रहा देखते रहो, व्यूज काउंट बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ये सारी चीजें मेरा माइंड ये चाहता है। लेकिन तुम्हारी बेटर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो लोग मुझे 2 साल से सुन रहे हैं, मैं उनसे सीरियसली कहना चाहता हूं कि वो मुझे फॉलो करना और मुझे बिल्कुल सुनना कंप्लीटली खत्म कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, अनसब्सक्राइब कर दे मेरे को। और लेट योर सेल्फ ओपन, खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दो और देखो वो क्या एनर्जी है, या वो कुछ क्या है ऐसा अननोन सा जो तुम्हें चलाए रख रहा है। फिर भी हु इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर जिसमें तुम अभी हो, चाहे वो कोई अपना पिता की फॉर्म में कैरेक्टर आप निभा रहे हो, फादर की फॉर्म में, सन की फॉर्म में, बेटे की फॉर्म में आप कोई कैरेक्टर निभा रहे हो, भाई की फॉर्म में निभा रहे हो, हस्बैंड की फॉर्म में निभा रहे हो, बहन के फॉर्म में निभा रहे हो, आप किसी भी फॉर्म में करेक्टर निभा रहे हो, आप किसी बिजनेसमैन की फॉर्म में निभा रहे हो, किसी भी फॉर्म में आप निभा रहे हो। हु इज प्लेइंग दैट करेक्टर? इंफॉर्मेशन आती है हमारे अंदर और हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं कह रहा हूं अपने ब्रेन को बिल्कुल ही खाली छोड़ दो और सिर्फ जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो, बस उससे डील करो और बाकी सारी चीजें बिल्कुल एकदम खत्म कर दो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रखो बस, और अपने आप को बिल्कुल ओपन छोड़ दो कंप्लीटली। तुम्हारा ब्रेन डर जाएगा क्योंकि तुम एक अननोन स्टेट में एंटर होगे। पहले ये कुछ खाली जगह पर बैठ के करना। हम भरे रहते हैं हर एक चीज से। तुम्हें पता है कि नेचर किस फॉर्म में कैसे काम कर रहा है? जो पूरी जो एनर्जी है, ये एंट्रोपी है इस मैनिफेस्टेशन की एक बीज डाला और इंफॉर्मेशन बीज के अंदर है, या एक स्पर्म है, एक मानव का शुक्राणु है, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन कहीं से उड़कर नहीं आ रही है। वो इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकली, वो इंफॉर्मेशन सेल्स में इस तरह से आ रही है कि वो मल्टीप्लाई होकर एक इतना बड़ा जीव बन जाता है, एक इंसान, और इतना इंटेलेक्चुअल। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, हम क्या कभी आर्टिफिशियल शेर बना सकते हैं? बिल्कुल सांस लेता हुआ, जीता हुआ, डाइजेशन करता हुआ, रेस्पिरेशन करता हुआ? नहीं, हम आर्टिफिशियल इंसान भी नहीं बना सकते। व्हाट इज दैट? और यही है तुम्हारा रियल नेचर। नॉन से तुम हर रोज डील कर रहे हो, लेकिन एक बार अपने ब्रेन को
अननोन में उतार के देखो, इस एक वॉइड में उतार के देखो, एक खालीपन में उतार के देखो। अब तुम बोलोगे हम खाली खालीपन में रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का, नहीं, वो जो तुम बोलते हो ना हम खालीपन में, खाली हमारा दिमाग कभी रह नहीं सकता। अगर हम अकेले बैठे हैं तो हमारी मेमोरी हमें परेशान करती है। अननोन में जब आप उतरोगे ब्रेन डरेगा, इसको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में कुछ तुम्हारे न्यूरॉन्स रिलैक्स होंगे और तुम्हारा माइंड जब शांत होगा ना तो तुम्हें एक एक छन्नी दिखाई देगी और उस छन्नी में से तुम देख पाओगे जिसको लोगों ने बोला है आत्म तत्व। उन्होंने तो बोल दिया है, अब ध्यान रखना मैं ये जो बता रहा हूं या जो ये आत्म तत्व है इसको लेकर अपने दिमाग में मत गढ़ लेना और इसी को इमेजिन करते हुए पूरा इमेजिन करते हुए और चीजों को बना देना, नहीं, अपने हिसाब से देखना। जिन्होंने देखा उसने बोल दिया कि ये आत्म तत्व है, क्योंकि ब्रेन ने जब जैसे ही सारी सिक्योरिटी खत्म करी उसको कुछ कुछ नजर सा आया, वो अननोन, और उस अननोन का अगर टेस्ट लग गया, चस्का लग गया उस अननोन का अगर, तो वो अननोन फिर आप जो नोन भी करोगे, कुछ भी नोन करोगे आप, नो मैटर वो जो भी नोन करते हो, वो नोन अपनी जगह पर रहेगा, अननोन अपनी जगह पर रहेगा, एक ऑर्डर आ जाएगा, एक ऑर्डर एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, फिर सब कुछ। टच दैट अननोन, ट्राई टू फाइंड आउट, नॉट विद द थॉट, विचारों से नहीं, विचारों के थ्रू नहीं, विचारों के परे जाने के लिए विचारों का तो सारा लेना पड़ेगा, लेकिन बट उसके बाहर कुछ अननोन सा जो है वो विचारों जैसा या फिर वो कैसे कहा जाए उसको, प्लीज डोंट, मेरी जो बातें हैं जो मेरे वर्ड्स हैं उनमें मत उलझना। सर्च योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ। और लास्ट में जो मेरा काम है मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसको लेकर मैं कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर दे रखा है व्हाट्सएप, उससे आप व्हाट्सएप करके जान सकते हैं इस कोर्स के बारे में। और मेडिटेशन क्या है, कंप्लीट मेडिटेशन, मेडिटेशन एक जरूरी चीज होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, मेडिटेशन का कोर्स प्रिपेयर है, मेडिटेशन की कोर्स को भी आप जान सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर दे रखा है व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच।